हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम लेने वाले हैं आपके पास, एक क्यूब में जो हम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। इसके पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मैं डायगोनल ऑफ क्यूब की बात किया जिसमें 5/6 × r आंसर था। फिर मैं एजेस की बात की, क्यूब में जो एजेस है आपके पास, कंजिक्यूटिव जो एजेस है उसके बीच का इक्विवेलेंट निकाले हम लोग, जिसका आंसर 7/12 r था। अब हम बात कर रहे हैं कि डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब। एक क्यूब में आपके पास जो फेस होगा उसका डायगोनल आपके पास, लाइक ये आपके पास, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपके पास, तो ये एक इसका इसका ये डायगोनल वाला पार्ट हुआ। इसको अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका डायगोनल वाला पार्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ए पॉइंट्स इसको लिया तो ये इनकमिंग और ये आपके पास आउटगोइंग, ये बी पॉइंट्स, या इनकमिंग आपके पास और आई आउटगोइंग, इनके बीच में ये आपके पास, तो ये जो फेस है आपके पास इसके डायगोनल के मैं आपके पास इसका जो डायगोनल, जो एक फेस है, कोई भी एक फेस ले लो, इस फेस के डायगोनल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं पॉइंट दे देता हूँ, ध्यान देखिएगा, मैं दे दिया सी, ये दे दिया डी, ये दे दिया ई, ये दे दिया एफ, ये दे दिया जी और ये दे दिया एच। अब आपको ये सोचना है कि इसमें आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे कौन से जिससे ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस आपके पास सेम होगा, वो पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। तो मेरे सॉल्यूशन से पहले इस वीडियो को पॉज करो आप, और आप रफ कॉपी में इस फिगर को बनाओ। मेरा सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप क्या करो, इस फिगर को बना लो अभी, और आप ना 5 मिनट 2 मिनट जितना लगता है आप पूरा 100% एफर्ट मार दो कि कौन से दो पॉइंट से डिस्टेंस ए का और उन्हीं दो पॉइंट से डिस्टेंस क्या बी का सेम है। पॉइंट से ए का डिस्टेंस और पॉइंट से बी का डिस्टेंस नहीं, वो जो दो पॉइंट्स है, वो जो दो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट से ए का डिस्टेंस इक्वल, ओके, क्या वो दो पॉइंट्स का बी से डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स का बी से डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे दो पॉइंट जो ए से सेम डिस्टेंस पे रखे, वैसे दो पॉइंट जो बी से सेम डिस्टेंस पे रखे, वो पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। तो आपको बस यही क्लियर करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वीडियो आपके पास पॉज करें, आप एक बार चेक करें कि आपको इन दो पॉइंट्स के बारे में आइडिया है कि नहीं। अगर आपको इन दो पॉइंट्स के बारे में आइडिया है तो आप कभी भी किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन से दो पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप तब तक अपने रफ कॉपी में अपना ट्राई करेंगे, उसके चलो अभी वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखना आपको ये है कि देखो, ए पॉइंट से यहाँ जा रहा है, ए पॉइंट से यहाँ जा रहा है, ए पॉइंट से यहाँ जा रहा है, देखो आपके पास। फिर आपके पास देखो, बी पॉइंट से डी से यहाँ जा रहा, सी से यहाँ जा रहा। तो हम देख रहे हैं कि यार, ए पॉइंट से डी जाना और ए पॉइंट से सी जाना, ये डिस्टेंस तो सेम है, ए से ई भी डिस्टेंस सेम है, तो सी डी ई वो क्या इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। ए पॉइंट में देखो, ई डी सी को देखो, तीनों का डिस्टेंस ए से सेम है, तो क्या इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। नहीं, आपको ये देखना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है, क्या तीनों पॉइंट से डिस्टेंस बी का सेम है। देखो, सी से बी डायरेक्ट, डी से बी डायरेक्ट, बट ई से बी डायरेक्ट है क्या। नहीं, ई इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता सी ओ डी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सी ओ डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, ये सी ओ डी, इस सी ओ डी का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस आपके पास, देखो इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम। और कोई पॉइंट्स, और कोई पॉइंट्स आपके पास, ए और एफ आपके पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होगा क्या, ई और एफ, क्यों, क्योंकि एफ में जाने के लिए आपके पास 1 और 2, क्या ई 1 और 2 में जा सकता है, 1 2 3, तो ई और एफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो सकते हैं। नहीं, क्या एफ और एच इक्विपोटेंशियल हो सकते हैं, देखो एच डायरेक्ट बी में जा रहा है, क्या एफ डायरेक्ट बी में जा सकता है, तो एफ और एच इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं हो सकते। और कोई, देखो जी और एफ को देखो आप, एफ से बी तक जाने का और जी से बी तक जाने का, एंड एफ से ए तक आने का और जी से ए तक आने का, इसका मतलब ये 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं और ये 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं। देखो ध्यान से, तो आपको बस यही पता करना था। अभी 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर आपको पता चल गया तो कैसे हो रहा है आपके पास, मैं बोल रहा हूं कि 2 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर है आपके पास, तो ये हो गया ए, ये आपके पास ए, ए से आपके पास आप जा रहे हो डी पे, ए से जा रहे हो आपके पास डी पे, और ये आपके पास गए, ये पॉइंट सी कॉमा डी हो गया, ये भी आर है, ये भी आर है, ये दोनों ही सी और डी आपके पास हो गए, ये दोनों ही किस में जा रहे हैं आपके पास, बी पे जी। ये देखो आपके पास बी पॉइंट्स, ये बी पॉइंट्स, और ये हमारे पास ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट्स, इनकमिंग करंट आई, वो आउटगोइंग करंट आई, ठीक है, ये आई। अब हम देख रहे हैं आपके पास, ये तो हो गया। अगर मैं ए से ई की बात करूं, ए से ई की बात, तो देखो ए से ई की बात, ये ए लिख देता हूं, ये ए से ई की बात, ये देखो ई आ गया, ये आर है। अब आपके पास ई से जी जा रहे हो या ई से एफ जा रहे हो, जी और एफ तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो जी और ई एफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स अगर है तो क्यों ना इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बना लिया जाए। ये जी और एफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, ये आर और आर, अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है तो दोनों एस तक
सी आर, ये आर, ये दोनों कहां तक पहुंच गए आपके पास? दोनों जी और एफ वाले पॉइंट कहां तक पहुंच गए? एच तक पहुंच गए, ये एच, एच और बी में, एच और बी में आपके पास सेम, ये आर, ये बी पॉइंट्स। फिगर पूरा कंप्लीट? हाँ फिगर पूरा कंप्लीट। और फिर सी से लेके जी तक, ये सी है, सी से लेके एफ तक, सी से लेके एफ तक और डी से लेके जी तक ये पॉइंट सेम है। इसका मतलब यहां पे आपके पास पॉइंट्स आया, यहां देखिएगा, ये आपके पास पॉइंट्स आया, ये भी आर। अब बना फिगर करेक्ट। सी से आपके पास, सी से लेके आपके पास एफ तक जा रहा है बिल्कुल, डी से लेके जी तक, बिल्कुल डी से लेके जी तक जा रहा है, ये पॉइंट्स हुआ आपके पास फिगर। अब मेरे को फाइंड आउट करना आपके पास, तो मेरे को दिख गया कि ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये वाला जो रिजल्टेंट है सी से डी के बीच में जाने वाला, ये वाला रिजल्टेंट का आंसर आर बाई टू, ओके, ये वाले रिजल्टेंट का आंसर आर बाई टू, चलो आर बाई टू से रिप्लेस कर देते, इस रिजल्टेंट का आंसर आर बाई टू, ये भी ठीक है, इस रिजल्टेंट का आंसर आर बाई टू, ये भी ठीक है, इस रिजल्टेंट का आंसर आर बाई टू, सब पैरेलल में थे, देखो ध्यान से। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं फिगर वाइज अगर बात कर रहा हूं तो फिगर कैसे सिंपल हो गया आपके पास, ये आपके पास एक ए पॉइंट से, ए पॉइंट से आई जा रहा है और सी और डी पॉइंट जहां तक जा रहा है वो आर बाई टू है, आर बाई टू हो गया सी कॉमा डी पॉइंट आर बाई टू, फिर सी से डी से लेके आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट जा रहा है ये अगेन आर बाई टू, ये बी वाला पॉइंट हो गया आर बाई टू, ये बी पॉइंट, ये आई करेंट आउट गोइंग, ओके, फिर आपके पास ये आर, ये आर गया, फिर जी और एफ के बीच में एक आर बाई टू, ये बीच में आर बाई टू, देखो ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, यहाँ पे पॉइंट जी और एफ कॉमन इस वाले नोट पे, यहाँ पे आपके पास एच और इसके बीच में आर बाई टू, ये एच, इसके बीच में आपके पास क्या है आर, और यहाँ पे आपके पास ई वाला पॉइंट था, इसके बीच में क्या था आर, ए ई के बीच में आर, बी और एच के बीच में आर, और ये कॉमन पॉइंट्स। अब हमको दिखा कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो यहाँ पे भी सेम होगा, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्टेड है, ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट यहाँ पे भी होगा, इसका मतलब ये वाला इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिगर कैसे बना, ये आपके पास ए था, ये आपके पास आर बाई टू, और आर कितना हो गया थ्री आर बाई टू, ये देखो थ्री आर बाई टू हो गया, ये जी एफ तक पहुंच गया, थ्री आर बाई टू हो गया सीरीज के कारण, ये आपके पास आर बाई टू, ओके आर बाई टू, फिर आपके पास सी और डी पॉइंट्स और इसके बीच में कितना है ये आर बाई टू, ये पॉइंट सी कॉमा डी वाला पॉइंट था नोड, ये वाला नीचे वाला जो नोड है वो जी कॉमा एफ का था, फिर आपके पास यहां पे आर बाई टू है, फिर यहां पे आर बाई टू और आर बाई टू आपके पास ये कितना है थ्री आर बाई टू, ये थ्री आर बाई टू, जी और एफ तक पहुंच गए हम लोग, तो ये पॉइंट आपके पास गया, एक ही पॉइंट बना लिया हम लोग, ठीक है, ये एक ही पॉइंट बन गया, ये पॉइंट्स क्या आपके पास बी पॉइंट्स है, ओके, ये आई आउटगोइंग, आई इनकमिंग, आई आउटगोइंग। फिर से ध्यान से देखो, अब ये पॉइंट्स आपके पास ऐसा हो रहा है, अब ये आपके पास दिख रहा है कि ये तो बैलेंस ब्रिज है, थ्री आर बाई टू डिवाइड बाई आर बाई टू इक्वल टू थ्री आर बाई टू डिवाइड बाई आर बाई टू, देखो बैलेंस ब्रिज, तो ध्यान से देखो आपके पास ये बैलेंस ब्रिज है। पॉइंट्स अगर मैं आपके पास बोलूँ कि ए से लेकर सी डी का जो पॉइंट्स है आपके पास, अगर जैसे मेरे को इक्विवेलेंट बनाना है, जैसे बोलो कि एक पॉइंट ए है, ये रेजिस्टेंस आपके पास ए से लेके आपके पास ये जी एफ तक ये रेजिस्टेंस है, जी से सी से लेके डी तक आपके पास ये है, ये एक रेजिस्टेंस आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस है थ्री आर बाई टू, सी से लेके ए से लेके जी एफ तक है ए से लेके, और अगर ए से लेके अगर ये सी डी है जी ऑफ एफ है, ये जी ऑफ एफ है, और ये ए पॉइंट्स हुआ आपके पास ये ए पॉइंट्स, ओके। चलो चेंज कर रहा हूँ मैं फिगर, एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि सी ओ डी ये है, ए से लेके सी ओ डी के बीच में आर बाई टू है, ए से लेके जी एफ के बीच में आपके पास कितना है थ्री आर बाई टू है, फिर सी डी से लेके बी तक आपके पास ये और ये आपके पास। कई लोगों को ऐसा फिगर देखना पसंद होता है ब्रिज के फॉर्म में, ये दोनों फिगर सेम है, इसका मतलब ये देखो बैलेंस ब्रिज है और यहाँ पे करंट आपके पास जीरो होगा, ये बैलेंस ब्रिज का फिगर है, इसको मॉडिफाइड करना है तो देखो ये फिगर बन गया। वैसे यही से लोगों को दिख रहा है थ्री आर बाई टू डिवाइड बाई आर बाई टू इक्वल टू थ्री आर बाई टू इक्वल टू आर बाई टू, ये बैलेंस ब्रिज है, और अगर बैलेंस ब्रिज है इसका मतलब है ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, इंटरेस्टिंग, ये जो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए इसमें करंट जीरो फ्लो होगा।
आप चाहो तो इसको शॉर्ट सर्किट कर लो और इन दोनों को आपके पास कंबाइन करके इसके साथ पैरेलल कर लो, यहां पे कर लो, या इसको हटा सकते हो, आपकी चॉइस है। ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। तो क्या क्या इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए इस वाले कॉन्फिगरेशन में? इस वाले कॉन्फिगरेशन में सी डी जी और एफ, ये पूरे का पूरा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गया। तो इसको आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो, करंट जीरो फ्लो हो रहा है आपके पास, आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हो क्योंकि रजिस्ट्री ब्रांच है, करंट जीरो मतलब वोल्टेज भी जीरो, तो आपकी चॉइस है। तो मैं फर्स्ट चॉइस ले लेता हूं, करंट जीरो है, रिमूव कर देता हूं। तो फिगर कैसे होगी आपके पास? R by 2 और R by 2, R आ गया तो ऊपर, ये हट गया आपके पास R by 2, R by 2, यहां कितना बचा? 3R by 2, यहां कितना बचा? 3R by 2, देखो 3R by 2, ये I करंट, ये A पॉइंट्स, ये B पॉइंट्स और ये I करंट। अब यहां पे करंट जो भी जा रहा है इन दोनों में सेम फ्लो है, इन दोनों में सेम, 3R by 2 और 3R by 2 सीरीज में ऐड हो गया, तो 6R by 2 मतलब 3R हो गया। तो ये R के साथ आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो कितना आ गया 3R, ये था आपके पास R, ये पॉइंट्स A इनकमिंग करंट, ये पॉइंट था B आउटगोइंग करंट। अब आपके पास देखो RAB की वैल्यू कितना आ रहा है, 3R और R का पैरेलल, तो 3R into R डिवाइड बाई 3R प्लस R, तो 3/4R आ गया आपके पास, 3/4R। देखो ध्यान से, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट था। इसका मतलब आपके पास तीन आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/6 इनटू आर होता है। सभी रेजिस्टेंस सेम रखेंगे ना, कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज तो हैंडल ही करना टफ हो जाएगा। क्लियर? तो सभी रेजिस्टेंस सेम है आपके पास, तो 5/6 आर है आपके पास, 5/6 इनटू आर डायगोनल ऑफ क्यूब। अगर एजेस ऑफ क्यूब बोल रहा है तो 7/12 आर था, और अगर आपके पास डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब बोल रहा है, फेस का डायगोनल, तो 3/4 आर है। ये तीन रिजल्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके पास, ध्यान देखिएगा। अब हम बाद में पता चला कि जो CD था और जो GF था आपके पास, ये पॉइंट्स भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे, ये पॉइंट्स भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे। कौन से आपके पास? मतलब यहां से लेके यहां तक आपके पास जो G और F वाला जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि G और D वाला जो पॉइंट्स आपके पास, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए। ये दोनों पॉइंट्स, इनका मतलब इन चारों पॉइंट्स को आप एक पॉइंट बना सकते थे, बाद में पता चला। और अगर ये चारों पॉइंट्स अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, अगर डी जी है और अगर सी एफ है, अगर डी जी है और सी एफ है, तो इस ब्रांच का कुछ भी यूज नहीं था जो बना हुआ था, इस ब्रांच को आप हटा सकते थे, इस ब्रांच का यूज नहीं था क्योंकि सी और डी एक ही है, ये डी और जी एक ही था। फिर एफ और सी भी आप बोल रहे सेम है, तो इस ब्रांच को भी आप हटा सकते थे, बाद में पता चल गया आपको ये आपके पास आप हटा सकते थे। ये इसका मतलब फिगर कैसे था? अगर मैं फिगर ऐसे बना रहा हूं तो क्या हुआ, ये आर और आर सीरीज में आ गए, और ये और आर आर सीरीज में आ गए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2R, और ये R और R सीरीज में आ गया तो कितना हो गया 2R, और 2R और 2R पैरेलल में आ गया तो कितना हो गया R हो गया। इसका मतलब है ये पॉइंट्स E हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ H, और 2R और 2R का पैरेलल R हो गया। ओके, यहां पे आपके पास एक R है, ये पॉइंट्स आपके पास A है, ओके ये पॉइंट्स A। फिर कितना हुआ, हम यहां से देखें आपके पास कि ये R और R 2R हुआ, 2R और 2R का पैरेलल R हुआ, तो A और B के बीच में अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं कि A और B के बीच में जो पॉइंट्स है आपके पास, ये कितना हो गया R आ गया, ये B पॉइंट्स, और यहाँ पॉइंट्स कितनी वैल्यू R, ये R, ये B आउटगोइंग आई, ये फिगर बन रहा आपके पास। देखो ध्यान से, अब हुआ क्या, ये देखो देखो, अब A और B का इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से जो भी करंट जाएगा वो करंट यहां फ्लो होगा, यहां फ्लो होगा, यहां फ्लो होगा और यहां फ्लो होगा। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो कितना आंसर आ गया 3R। तो इक्विवेलेंट क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गया ये A पॉइंट्स, इक्विवेलेंट हो गया आपके पास ये B, आपके पास ये B, ये बीच में R है, और A और B के बीच में 3R कनेक्टेड है, ये 3R कनेक्टेड है, ये 3R, तो 3R और R का पैरेलल कितना हो रहा है, देखो RAB का आंसर, 3R और R का पैरेलल कितना हो रहा है 3/4 into R। इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट थे और ये पॉइंट भी इक्विपोटेंशियल हो गया, तो G और D अगर सेम हो गया तो उसके बीच के रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस खत्म, दोनों तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो करंट तो जीरो फ्लो होगा, करंट जीरो फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो, तो इसका ड्रॉप जीरो, तो डी और जी को आप मिला सकते हो, सिंगल पॉइंट बना सकते हो, ये रेजिस्टेंस को आप हटा दिए। आप बोल भी सकते हो, है ना, याद रखिएगा ना,
जब किसी रेजिस्टेंस में करंट जीरो फ्लो होता है तो उसका वोल्टेज भी जीरो होता है। तो अगर आपको शॉर्ट सर्किट को यूज करना है बिल्कुल बिंदासी से यूज करो, बट अगर आपको लगता है कि मेरे को ओपन सर्किट यूज करना है सर वो तो करंट जीरो है, बिल्कुल आपकी च्वाइस है, आपको करंट जीरो फ्लो हो रहा है वोल्टेज जीरो, आपको ओपन करना है आप ओपन कर लो, आपको शॉर्ट करना है शॉर्ट कर लो, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, याद रखे अपन। तो मैं बोल रहा हूं कि दोनों पॉइंट सेम होंगे, तो दोनों पॉइंट सेम के लिए रेजिस्टेंस को हटा दिया, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं कि एक डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब का इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, देखो यहां से ध्यान से देखो, तो 3/4 × r, सब कितना देखा। तो मैं आपको बोला था कि वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आप खुद से इक्विपोटेंशियल पॉइंट को देखना कि कौन सा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना, क्लियर, मेरा रिक्वेस्ट है मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना क्या आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट दिखा था। जितने लोगों को दिखा था प्लीज कमेंट्स कीजिएगा कि हमने लोगों को दिख गया था कि यही दो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे, तो फिर मैं सक्सेसफुल रहूंगा। अगर आपको वो दो पॉइंट्स अगर दिख गए थे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं, तो फिर मैं सक्सेसफुल रहा आपको पहला क्वेश्चन लेने में, सेकंड क्वेश्चन लेने में, और इवन ये थर्ड क्वेश्चन लेने में फिर मैं सक्सेसफुल रहा, अगर आपको तीनों ही पॉइंट दिख गए। प्लीज आप कमेंट्स कीजिएगा कि सर हमको तो हमको जो थर्ड क्वेश्चन था ये वाला, इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट पता चल गया था कि ये पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, और सर हम तो इवन हैंडल भी कर लिए थे क्वेश्चंस को, अगर कोई पूरा सॉल्व भी कर लिया होगा तो। बिल्कुल आप कमेंट्स कीजिएगा, मेरे को अच्छा फील होगा, क्लियर। और भी मैं कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, जितना हो सकता है आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आऊंगा कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को देखने का तरीका कैसे होता है, क्लियर। कुछ वैरायटी ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा, इक्विवेलेंट वाले रेजिस्टेंस वाले जो आपके आईआईटी जीएस में आते हैं, मैं कुछ गेट के अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्लियर, जो गेट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके मैं कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे आप सिमेट्रिसिटी को समझ सके, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से हैंडल कर सके, क्लियर। मेरे को लगता है कि आपका ये तीनों सेशन, आपके पास सेशन वन फर्स्ट वीडियो, सेशन टू सेकंड वीडियो, और ये जो थर्ड आपके पास वीडियो था सेशन थ्री, ये तीनों ही सक्सेसफुल रहा होगा अगर आप अच्छे से केयर कर रहे होंगे। तो रफ कॉपी में एक बार आप फिर से ट्राई कीजिएगा, इसके बाद से आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं कि एक क्यूब में इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे टीचर भी देख रहे होंगे इस वाले वीडियो को, तो जो टीचर भी इस वीडियो को देख रहे हो वो इस चीज का केयर करें कि किसी स्टूडेंट को बहुत ही सिंपली सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है कि सिमेट्री कैसे चेक करते। जितना सिंपल करोगे एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक 11th 12th का स्टूडेंट केयर कर पाएगा कि कैसे देख रहे, अदरवाइज एक नॉर्मल स्टूडेंट कभी समझ ही नहीं पाएगा कि कैसे आप इक्विपोटेंशियल और कैसे सिमेट्रिसिटी को देख रहे, क्लियर। तो नॉर्मल को केयर करने के लिए आप जितने टीचर होंगे वो भी अच्छा वर्कआउट करना कि कैसे हैंडल करते हैं क्यूब को, ठीक है। हो सकता है आपको आइडिया हो, बट अगर आइडिया ना हो तो आप इस पॉइंट्स को जरूर लेना, ओके, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर हुआ होगा, ओके, थैंक यू वेरी मच।